कुछ तो गुनाह रहे होंगे हमारे भी, कुछ तो गुनाह रहे होंगे हमारे भी, वरना इस मौसम में चिल्ड बियर पीने के बजाय, वरना इस मौसम में चिल्ड बियर पीने के बजाय यूं काढ़ा नहीं पीना पड़ रहा होता। कैसे हो 11th के बच्चों, वेलकम बैक टू योर ब्यूटीफुल से चैनल विद योर हैंडसम टीचर जिसका नाम है फिजिक्स बाय राहुल बंसल। करते हैं स्टार्ट आज का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। चैप्टर 1 हमने केवल 2 ही लेक्चर में फिनिश कर दिया था क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक ब्लू कलर का लिंक दे चुका हूं, उस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको गूगल ड्राइव के अंदर पीडीएफ ओपन हो जाएगी। उसमें आपको नोट्स दिए हुए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, जितना भी आप पढ़ेंगे उससे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा। अगर लिटिल बिट आया तो केवल वैज्ञानिकों का, साइंटिस्टों का नाम आएगा, उनकी डिस्कवरी, उनके इन्वेंशन, उनकी कंट्री और वो वर्ष आएगा जिसमें उन्होंने वो डिस्कवरी या इन्वेंशन की थी। वो आपके टीचर्स आपको 5-7 केवल सिलेक्टेड दे देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए चैप्टर नंबर 2 जो बहुत 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 इंटरेस्टिंग होने वाला है। नाम है उसका यूनिट्स एंड मेजरमेंट। बच्चों आपकी मम्मी ने आपको कभी भेजा होगा बाजार से चीनी लाने के लिए, लौकी लाने के लिए, कपड़ा लाने के लिए, कभी पूछा होगा टाइम क्या हो रहा है, बहुत सारी चीजें। सपोज करो हम 2-3 एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो रमेश की मम्मी ने उससे कहा बेटा बाजार से गाजर ले आ। रमेश ने पूछा अपनी माता जी से बेटा मम्मी कितनी गाजर लानी है, तो मम्मी ने बोला कि बेटा 5। अब इस 5 का मतलब क्या हुआ? 5 किलो हो सकती है, 5 बोरी हो सकती है, 5 गाजर हो सकती हैं, व्हाटसोएवर। जब तक हम उस संख्या के पीछे प्रॉपर यूनिट नहीं लगाएंगे हमें समझ नहीं आएगा। मैंने आपसे पूछा कि बेटा क्या बज रहा है, आपने बोला 9 बज रहा है। 9 हम समझ चुके हैं, हम यूज टू हैं कि वो 9 o'clock की बात कर रहे हैं, 9 hour एग्जैक्टली वो होता है 9 hour। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि कितने सेकंड बाद, कितने टाइम बाद आप मुझे मिलेंगे, तो 9 बाद मिलेंगे। 9 क्या? 9 दिन बाद, 9 साल बाद, 9 घंटे बाद, 9 मिनट बाद या 9 सेकंड बाद। तो जब तक उसके पीछे वो प्रॉपर वर्ड नहीं लगेगा हमें समझ नहीं आएगा। क्या मम्मी ने कभी ऐसा बोला रमेश से कि रमेश 5 meter गाजर लिया? रमेश 1 घंटे से गाजर के पीछे गाजर, गाजर के पीछे गाजर, गाजर के पीछे गाजर और गाजर के पीछे गाजर नापने में लगा पड़ा, लेकिन वो 5 meter नहीं हुई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 meter गाजर गलत वर्ड है, नंबर के साथ यूनिट सही नहीं लगाया हुआ। क्या आपने कभी 1 kilo पेट्रोल खरीदा है? आपने देखा होगा लिक्विड हमेशा लीटर में मिलता है, सॉलिड चीज हमेशा किलोग्राम में मिलती है। जो अमाउंट है जो आप तोल कर लेते हैं वो हमेशा किलोग्राम्स में होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पीछे हम कुछ ऐसी चीज लगाते हैं जिससे हमें क्लियर हो जाता है कि वो एग्जैक्टली हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। इन सब चीजों को बेटा बोलते हैं यूनिट्स। क्या बोलते हैं बच्चों? यूनिट्स। एक बार फिर से जोर से बोलो यूनिट्स, एक बार जोर से सब मिलके बोलो यूनिट्स। यूनिट्स का मतलब क्या हुआ, जैसे ही हम किसी चीज के पीछे यूनिट्स लगाएंगे हमें पता चल जाएगा व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, हम किस चीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। किलोग्राम वजन, सेकंड टाइम, मीटर लेंथ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें पता चल जाएगा। 11th क्लास में आप लोग पढ़ रहे हो, 10th क्लास पास करके आ चुके हो, एम्पियर करंट, केल्विन टेम्परेचर, इवन मोल भी आपको याद होगा, आप लोग पढ़ते थे 6.022 into 10^23 वो होता था अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो आपके पास आपके कोर्स में बेटा कुछ फंडामेंटल यूनिट्स हैं बच्चों, कुछ फंडामेंटल यूनिट्स हैं। ये फंडा तो समझ में आ गया लेकिन मेंटल समझ में नहीं आया। फंडामेंटल का मतलब होता है जैसे आप लोग कभी 11 से गिनती चालू करोगे या 1 से। अब ध्यान से देखिए कि जो भी 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, हजार लाखों में जो भी काउंटिंग है वो सारी की सारी 1 से लेकर 9 तक की बनी हुई है।
एक से लेकर नौ तक की का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास कुछ बेसिक डिजिट्स हैं, बेसिक डिजिट्स हैं, और उन्हीं डिजिट्स की सहायता से हम क्या बना देते हैं, हम हजारों लाखों तक की करोड़ों तक की काउंटिंग बना देते हैं। तो कुछ बेसिक चीजें हैं, 26 अल्फाबेट हैं आपके पास इंग्लिश में, उन्हीं की सहायता से हम क्या बना देते हैं, कितने लाखों करोड़ों शब्द बना देते हैं। हिंदी के बारे में तो हमें तोबा तोबा कुछ नहीं पता, लेकिन हिंदी में भी हमारे पास कुछ अल्फाबेट्स होते हैं, कुछ वर्ण और स्वर होते हैं, उन्हीं की सहायता से हम लाखों शब्द बना डालते हैं, वाक्य बना डालते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, जो बेसिक है, जो किसी से प्राप्त नहीं किए जा सकते, जो अपने आप में यूनिक है, उनको हम बोलते हैं फंडामेंटल। क्या बोलते हैं उनको, फंडामेंटल। और जो उन फंडामेंटल से फाइंड आउट किए जाते हैं वो कहलाते हैं ड्राइव्ड। वो क्या कहलाते हैं, ड्राइव्ड। तो आप, आज का टॉपिक हमारे पास यही है, फंडामेंटल यूनिट्स वर्सेस ड्राइव्ड यूनिट्स। देखिए चैप्टर वन है आपके पास, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। चैप्टर वन का नाम है यूनिट्स एंड, सॉरी चैप्टर वन मैंने गलत दिया, चैप्टर टू आपका, चैप्टर टू का नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, ये हम पढ़ेंगे यूनिट्स, और आगे हम कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, स्फेरोमीटर है, कुछ मेजरमेंट की टेक्निक्स होती हैं, मेथड्स होते हैं जिसका नाम होता है पैरेलेक्स मेथड। ये सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं आपके पास, ये डिसाइड करते हैं मेजरमेंट को। आज हम पढ़ने जा रहे हैं केवल और केवल यूनिट्स के बारे में, छोटी सी क्लास लेंगे, ज्यादा लंबी नहीं लेने वाले हैं, मैं आपको बोर करने नहीं आया हूं, तो हम केवल छोटी सी क्लास लेंगे जिसका नाम होगा यूनिट्स। तो यूनिट्स हमारे पास बच्चों दो टाइप की होती हैं, पहली होती है फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट। ये फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती है बच्चों, those units which are used for, those units which are used for fundamental quantities, fundamental quantities and cannot be derived, और इनको हम ड्राइव नहीं कर सकते हैं, इनको हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं और किसी से भी, एंड कैन नॉट बी ड्राइव आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स, आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। इसमें ये कितने टाइप की होती है बच्चों, दे आर ऑफ 7 टाइप्स। इसके एग्जाम्पल कितने हैं, 7। देख लेते हैं फटाफट वो कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। पहला है मास, पहला है हमारे पास मास, लगता है हमारा मार्कर खत्म हो चुका है। दूसरा है हमारे पास, ये भी खत्म हो चुका है, कितना पढ़ा दिया आज हमने। दूसरा है हमारे पास लेंथ, फिर है हमारे पास टाइम, फिर है हमारे पास टेम्परेचर, फिर है इलेक्ट्रिक करंट, फिर है हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और लास्ट है हमारे पास ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये आपके पास कुल मिलाकर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। ये हैं सारी के सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज, और इन्हीं की यूनिट्स को हम बोलेंगे फंडामेंटल यूनिट्स। देखते हैं कौन सी है। मास को हम किस में मेजर करते हैं, मास को हम मेजर करते हैं किलोग्राम्स के अंदर। बच्चों मास को हम मेजर करते हैं किलोग्राम्स के अंदर, केजी। लेंथ को हम मेजर करते हैं मीटर के अंदर, टाइम को हम मेजर करते हैं सेकंड में, मैं यहां पर पूरा पूरा लिख देता हूं किलोग्राम्स,
टाइम को हम मेजर करते हैं सेकंड में, टाइम को वैसे हम मिनट्स में मेजर कर सकते हैं, आवर्स में भी, डेज में भी, लेकिन हमारा जो बेसिक बनाया गया है वो हमारे पास सेकंड बनाया गया है। टेम्परेचर को भी फ़ारेनहाइट, केल्विन और सेल्सियस में मेजर कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक हमारा बनाया गया है, जो उसकी स्टैंडर्ड यूनिट बनाई गई है, वो केल्विन बनाई गई है। इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला। ये आपको ज्यादा लर्न करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला है, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी एक्जैक्टली क्या होती है आप हायर क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन हाँ ये आपको सातों के सातों लर्न होनी चाहिए कि सात फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं। ये सात फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, ये इसकी यूनिट हैं। अब बात करते हैं बच्चों मास को हम डिनोट किससे करेंगे, एम से। ये इसकी डायमेंशन है, डायमेंशन का मतलब सिंबल, एक ऐसा सिंबल जो मास को डिनोट करेगा। लेंथ को हम डिनोट करते हैं एल से, टाइम को हम डिनोट करते हैं टी से, टेम्परेचर के लिए आगे हमारे पास और सिंबल आते हैं, इलेक्ट्रिक करंट के लिए डिफरेंट सिंबल है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए, लेकिन आपका जो सिलेबस है उसमें रेस्ट्रिक्टेड है केवल ये तीन टर्म्स, इसलिए हम आगे की चार को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, केवल यही तीन टर्म्स को लेकर हम बहुत सारी डायमेंशन और बहुत सारी यूनिट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो ये आप फटाफट नोट कर लीजिए कि एग्जैक्टली जो सेवन फंडामेंटल यूनिट्स हैं उनकी क्वांटिटीज की यूनिट्स क्या हैं, और उनमें से जो तीन सबसे इंपॉर्टेंट हैं उनकी डायमेंशंस क्या हैं। ये है आपके पास फिजिकल क्वांटिटी, अगर मैं बात करूं तो फिजिकल क्वांटिटी ये है यूनिट्स आपके पास, और ये है आपके पास डायमेंशन, एम फॉर मास, एल फॉर लेंथ एंड टी फॉर टाइम। आज मैं बताने वाला हूं वो इंपॉर्टेंट जो आपको काम में आएंगी, बाकी जैसे जैसे हम चैप्टर पढ़ते चले जाएंगे, हम आगे प्रोसीड होते चले जाएंगे, बाकी की भी आपके काम आती चले जाएंगे, लेकिन आज हम वो पढ़ने वाले हैं जिसकी हेल्प से आप बहुत सारे डेरिवेशंस और बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर पाओगे। और इलेवंथ के बच्चों एक खास बात और बता दूं आपको, आपको हर क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक ब्लू कलर का लिंक मिलेगा, उस पर आप जब भी टच करेंगे आपको गूगल ड्राइव के अंदर लेके जाएगा, आपके फोन में गूगल ड्राइव होना चाहिए, वहां से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आपको छह इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हर, ये छह ही क्यों, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, सीरीज का नाम है पावर प्ले सीरीज, और आप जानते हो पावर प्ले रिलेटेड है क्रिकेट से, मैं क्रिकेट का बड़ा शौकीन हूं, तो इसलिए हमने अपनी सीरीज का नाम रखा पावर प्ले सीरीज, पावर क्लास सीरीज। तो यहां पर हमारे पास छह क्वेश्चन होंगे, और छह क्वेश्चन जैसे कि एक ओवर में छह बॉल होते हैं, मैं आपको हर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगा, गुगली दूंगा, स्पिन कराऊंगा, फास्ट बॉल कराऊंगा, स्विंग कराऊंगा, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होंगे जो हर साल के बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, ट्राई कीजिए घर पे सॉल्व करने की, नहीं होंगे तो डेफिनेटली आपको हर क्लास के नेक्स्ट क्लास में मैं कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ये जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं इनकी डायमेंशंस आपको मैंने बता दी, एक बार देखते हैं ड्राइव्ड यूनिट्स के बारे में। ड्राइव्ड, ड्राइव का मतलब क्या हुआ, वो वाली यूनिट्स जो इनसे प्राप्त होती है, जो इनसे ड्राइव होती हैं, जो इनसे हमें निकल कर आती है। तो एक बार देख लेते हैं ड्राइव यूनिट की डेफिनेशन क्या है, आगे चलते हैं। बच्चों चलते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पर, इसका नाम है ड्राइव यूनिट्स। Those units which can be derived. अब ये derived, फिर वापस वही आ गया derived की। derived का मतलब होता क्या, प्राप्त करना। जैसे आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था s बराबर ut plus half at square। 9th क्लास में आपने बच्चों पढ़ा था v square minus u square बराबर 2as। 9th क्लास में आपने पढ़ा था v बराबर u plus at। तो ये फॉर्मूले आपको याद होगा, आपने वहां पर ग्राफिकल मेथड से ये फॉर्मूले ड्राइव भी करे थे। ये फॉर्मूले ऐसे नहीं कि न्यूटन अंकल ने हमें बोले और हमने जबरदस्ती मान ली, ना बाबा ना, हम साइंटिस्ट हैं, साइंस लेने का मतलब हम साइंटिस्ट बन चुके हैं, हम वुड बी साइंटिस्ट हैं, तो साइंस लेने का मतलब है हम किसी भी बात को नहीं मानेंगे, आप मेरी बात को भी मत मानो, बोल छूटते ही सर प्रूव करके दिखाओ, एंड वी विल ट्राई टू प्रूव इट। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो भी चीज, जो भी फॉर्मूला हमारे साइंस की बुक में लिखा हुआ है, ऑल दीज फॉर्मूलास हैव अ डेफिनेट एंड यूनिक प्रूफ, उसको प्रूफ किया जा सकता है। तो
तो ड्राइव का मतलब यही होता है कि कुछ फाइंड आउट करना विद द हेल्प ऑफ पेपर एंड पेन. तो दोज यूनिट्स विच कैन बी ड्राइव्ड और फाइंड आउट बाय द हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स आर कॉल्ड ड्राइव यूनिट्स. जो यूनिट्स फंडामेंटल की सहायता से फाइंड आउट की जा सकती हैं, उनको हम बोलते हैं ड्राइव यूनिट्स. इसके बहुत बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिनमें से हम केवल बेसिक्स पढ़ेंगे जो ज्यादा मात्रा में जो मोस्ट प्रोबेबली हमारे काम आते हैं. तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, अगर आप अपनी एनसीईआरटी की बुक उठा के देखोगे तो उसमें पीछे 100-200 के आसपास लिखे हुए हैं. तो आपको उनमें से मैं सिलेक्टेड पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम में काम आएंगे. बाकी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो वेस्टेज हैं, लेकिन आपके वो 11th लेवल पर काम नहीं आने वाले हैं. तो उनमें से सिलेक्टेड कुछ मैंने छाटे हुए हैं, तो वो आपको मैं यहां पर लिख के दे रहा हूं. तो एग्जांपल्स की अगर हम बात कर लें बच्चों, तो पहला सबसे आता है लेंथ, देन उसके बाद मास, उसके बाद आ गया एरिया, वॉल्यूम, उसके बाद आप यूज कर सकते हो स्पीड. स्पीड और वेलोसिटी की सेम होती है. देन डेंसिटी, उसके बाद यूज हो सकता है बच्चों मोमेंटम. मोमेंटम और इंपल्स की सेम होती है. फिर यूज कर सकते हो बच्चों फोर्स. फोर्स से पहले आप कोशिश करो एक्सीलरेशन यूज करो. एक्सीलरेशन, उसके बाद हम यूज करते हैं यहां पर फोर्स. फोर्स के बाद हम यूज कर सकते हैं यहां पर हम वर्क डन, एनर्जी. लेंथ के साथ हम इसको डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं. वर्क डन और एनर्जी हो गया, और फोर्स और टॉर्क दोनों की यूनिट सेम होती है. फोर्स और टॉर्क यूनिट सेम होती है, डायमेंशन सेम होती है. फोर्स की यूनिट एसआई वाली तो न्यूटन होती है, लेकिन अगर हम ड्राइव्ड वाले की बात करें दोनों सेम होती है. जैसे जैसे आप आगे चलेंगे आपको समझ में आती रहेगी बेसिकली मैं किन चीजों के बारे में बात कर रहा हूं. वर्क एनर्जी हो गया, अगर हम बात करूं इससे आगे तो आपके पास पावर हो गया, और एक वर्ड होता है जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, नाम है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. इसके बारे में मैं डिटेल आपको नहीं बताने वाला अभी. तो लेंथ, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, इनकी यूनिट आई मीटर. मास की आई किलोग्राम. एरिया की आई मीटर स्क्वायर. वॉल्यूम की आई मीटर क्यूब. स्पीड या वेलोसिटी आप जानते होंगे मीटर पर सेकेंड. डेंसिटी, बच्चों डेंसिटी का अगर आपको नहीं पता यूनिट तो आप इसको अगर फॉर्मूले फॉर्म में निकालना चाहो, फॉर्मूला क्या होता है डेंसिटी का, केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ रहे होंगे, फॉर्मूला होता है डेंसिटी का मास पर यूनिट वॉल्यूम. तो ऊपर आ जाएगा बच्चों मास और नीचे आ जाएगा वॉल्यूम. मास की हो गई किलोग्राम, वॉल्यूम हो गया नीचे मीटर क्यूब, तो ये बन गया किलोग्राम पर मीटर क्यूब. मोमेंटम होता है बच्चों मास इंटू वेलोसिटी. मास के लिए आ गया किलोग्राम और वेलोसिटी के लिए आ गया मीटर पर सेकेंड. एक्सीलरेशन बच्चों होता है आपके पास वेलोसिटी अपॉन में टाइम, ये आ गया मीटर पर सेकेंड अपॉन में सेकेंड, तो ये बन गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नीचे वाला सेकेंड ऊपर जाएगा, इसकी पावर भी -1 हो जाएगी, ये -1 पहले से ही बन जाएगा -2. फोर्स के लिए हम यूज करते हैं मास इनटू एक्सीलरेशन. मास के लिए आ गया किलोग्राम और एक्सीलरेशन आपने पढ़ा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. वर्क डन के लिए होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस. फोर्स के लिए आ गया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिस्टेंस के लिए आ गया मीटर,
तो ये बन गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। पावर बच्चों याद होगी आपको, ये हुआ करता था वर्क अपॉन में टाइम। वर्क अपॉन में जो टाइम निकल के आया आपके पास, तो वर्क का क्या हो गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, जैसे कि आप यहां पर देख रहे हो। टाइम के लिए हो गया सेकंड, इस सेकंड की पावर है वन, ऊपर गया तो माइनस वन, ये बन जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर माइनस थ्री। बात कर रहा था मैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड। डायमेंशंस की बात अब हम करते हैं, याद होगा लेंथ के लिए हम क्या यूज करते हैं, डायमेंशन एल, और इनको ऐसे ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। मास के लिए हम यूज करते हैं एम, एरिया के लिए यूज करेंगे मीटर स्क्वायर। मीटर जिसकी यूनिट थी बच्चों लेंथ की, तो जब एक एम के लिए एल है तो एम स्क्वायर के लिए क्या आएगा, एल का स्क्वायर। आप चाहो तो एम भी लगा सकते हो, टी भी, लेकिन ये था तो रियलिटी में नहीं, तो इसकी पावर हम क्या लगा देंगे, जीरो। तो चाहो तो लगाओ, चाहे मत लगाओ। वॉल्यूम मीटर के लिए क्या था, एल, तो एल की पावर थ्री। मीटर के लिए था एल, सेकंड के लिए हुआ टी पावर माइनस वन। किलोग्राम के लिए आता है एम, मीटर के लिए आता है एल, और पावर आ गई साथ में माइनस थ्री। किलोग्राम के लिए आ गया एम, मीटर के लिए आ गया एल, सेकंड के लिए आ गया टी पावर माइनस वन। मीटर के लिए आ गया एल, सेकंड के लिए आ गया टी पावर माइनस टू। किलोग्राम के लिए आ गया एम, मीटर के लिए आ गया एल, सेकंड के लिए आ गया टी पावर माइनस टू। किलोग्राम के लिए आ गया एम, मीटर के लिए आ गया एल की पावर टू, सेकंड के लिए आ गया टी पावर माइनस टू। यहां पर किलोग्राम के लिए आ गया एम, मीटर के लिए आ गया एल, और सेकंड के लिए आ गया टी पावर माइनस थ्री। किलोग्राम के लिए आ गया एम, मीटर के लिए आ गया एल माइनस वन, और सेकंड के लिए आ गया टी माइनस वन। ये कुछ आपकी वो वाली चीजें हैं जो आपके लिए मोस्ट 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 प्रोबेबली इंपॉर्टेंट हैं। मैं बाकी ये नहीं कहता कि बाकी वाली इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये वाली आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो मैं आपको करवाऊंगा भी और पीडीएफ के फॉर्म में आपको दूंगा भी, और उन क्वेश्चन में मोस्ट प्रोबेबली यही वाले सारे डेरिवेशन, यही वाले सारे यूनिट्स, यही वाले सारे डायमेंशन काम में आने वाले हैं। तो बच्चों आशा करता हूं क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। टिल देन बाय बाय, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, घर में अस्त पस्त रहिए। टिल देन बाय बाय।